हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम एसएससी सीजीएल 2020 के एसएससी इंग्लिश कंपाइलेशन टॉपिक वाइज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा इस सीरीज में बहुत सारा कर लिया है, एसएससी सीजीएल 2020 के साइनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकल एरर्स और उसके साथ इंप्रूवमेंट्स, इतने सारे जो टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्टिव पैसिव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इस एग्जाम इस जो सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि एक एक क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है, यानी कि सीएचएसएल का हो, सीएचएसएल हो, एसटेनो के पेपर में यह 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजीएल में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, सीएचएसएल में 1 क्वेश्चन, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से आपके एक नंबर इजिली वे में बनते दिखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो टोटल 21 क्वेश्चन है इसको करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स की इसको किस प्रकार से हम करते हैं एक्टिव टू पैसिव, यदि एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो या फिर पैसिव टू एक्टिव चेंज करना हो, दोनों के नियम यहाँ पे हम देखेंगे। दोनों के एग्जैक्ट सेम नियम है और उसको कुछ जो रूल्स है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक किस प्रकार से करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल बनाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंग्लिश वेब एकेडमी। सबसे पहले इसका फर्स्ट रूल है, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखो और उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखो। ओके, यदि सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदल दो, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में बदल दो। यह पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड रूल है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसमें जो यूज किया जाता है एक्जुलरीज वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब उसको देखो। यह हमेशा जब सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, और पैसिव से एक्टिव बदलते समय एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो यह सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। यह इसका सेकेंड रूल है। और उसका थर्ड फॉर्म है कि टेंस, और टेंस में यह किस प्रकार से होता है इसको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हम बात कर ले यदि प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में इसमें होता है कि आपको डू या डज का यूज किया गया हो, अगर यदि डू या डज का यूज किया गया हो या फिर डू या डज का यूज नहीं किया गया हो तो इसके बदले सब्जेक्ट के अनुसार हम इज, आर एंड एम का यूज करते हैं। ओके, इसको एक्टिव से पैसिव बदलते वक्त में, यह फर्स्ट है। उसके बाद सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो इज और आर होता है और एम होता है इसको हमको बदलने के लिए, इसके बाद इज आर एम को बदल करके वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज कर देते हैं, और इसको इज आर और एम सब्जेक्ट के अनुसार यूज करके उसमें हम बीइंग जोड़ देते हैं। ओके, ये मैंने शॉर्ट में बता रहा है क्योंकि शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये जितने सारे क्वेश्चन है उसे करने हैं। इस पे एक नया और अलग से एक्टिव पैसिव का वीडियो आएगा, उसमें एक्सप्लेन करके मैं समझा दूंगा। तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक इसी प्रकार से हर एक एक रूल में होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि हैज या हैव का यूज किया जाता है प्लस वी थ्री, तो अब इसको हम इसमें बीन ऐड कर देते हैं, जब भी सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव का यूज करके और प्लस बीन का यूज कर देते हैं। ओके, बीन प्लस वी थ्री, ठीक उसी प्रकार से हर एक टेंस में होता है। जैसे यदि हम बात कर ले पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट में होता है कि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया रहता है तो उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हम यहाँ पे वाज या वेयर का यूज करके और प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज कर देते हैं। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि इसमें यूज किया गया रहता है वाज, वेयर और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं इसको भी had में यूज कर देते हैं, वाज प्लस वर्ब का, वाज प्लस बीइंग का यूज करके और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर देते हैं, थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। यानी कि एक्टिव पैसिव में एक बात ध्यान दे कि जो भी यूज होगा इसमें वर्ब का पैसिव फॉर्म में यूज करते समय वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे, ये डेफिनेटली फिक्स होता है। तो यही कुछ बेसिक रूल्स है और हर एक टेंस को एक विस्तृत तरीके से जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसे क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके,
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द इनविजिलेटर इज एडवर्ड एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। आपके ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं, टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, बिकॉज जो एसएससी सीजीएल का पेपर होता है हर एक शिफ्ट में वन क्वेश्चन पूछा जाता है और यह टोटल 21 शिफ्ट में हुआ थे। ओके, तो यहाँ पे अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। तो द इनविजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। अब जो सेंटेंस स्टार्ट होगा इसी ऑब्जेक्ट से, जो कि सब्जेक्ट के रूप में बन जाएगा, इसी से स्टार्ट होगा। फर्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स, सेकेंड है द स्टूडेंट्स, थर्ड है द स्टूडेंट्स एंड फोर्थ जो है वो द स्टूडेंट्स है, यानी कि चारों ऑप्शन जो है द स्टूडेंट्स से स्टार्ट है। उसके बाद इसके अब हम सेंटेंस पे आते हैं, या किस प्रकार का सेंटेंस है। यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम यूज किया गया है और प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि आई एन जी यूज किया गया है। तो यह आपका सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर देते हैं, तो यही ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस इज आर एम, प्लस इसमें हम बीइंग यूज करके बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज कर देते हैं। तो अब जब द स्टूडेंट्स, यह क्या है, यह प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में बना है, इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, आर यूज किया जाएगा। अब देखते हैं द स्टूडेंट्स आर, यहाँ पे वेयर है तो यह इनकरेक्ट है। द स्टूडेंट्स आर, सेकेंड नंबर ऑप्शन को देखें, यह बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर बीइंग प्लस वर्ब 3 यानी कि एडवाइज्ड। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाय द इनविजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। बाकी के सेंटेंस को बाय द सब्जेक्ट करके, या सब्जेक्ट था ना इनविजिलेटर, तो उसको करके और बाकी करेक्ट कर देते हैं। बाकी के ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे हैव बीन का यूज किया गया है जो गलत है, या परफेक्ट टेंस हो गया, या वेयर का यूज किया गया है, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, यह भी गलत है। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द सन रेज बर्नड माई फेस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें, यह किस प्रकार का सेंटेंस है, तो यह सेंटेंस है आपको पास्ट इन डिफिनिट सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया ये सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, और इसके बाद जो है ये क्या हो गया, माई फेस, यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट के रूप में बन जाता है, तो सब्जेक्ट के माई फेस से जो भी सेंटेंस होगा यह स्टार्ट होगा। चारों ऑप्शंस में माई फेस से स्टार्ट है। उसके बाद इसको पास्ट इंडिफिनिट को पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, वाच प्लस वेयर यू वर यूज करके और वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज कर देते हैं। अब देखते हैं माई फेस क्या हो गया, माई फेस सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे, तो माई फेस इज, तो यहाँ पे यह प्रेजेंट हो गया तो यह गलत है। यहाँ पे हैज का यूज किया गया है, यह भी गलत है। यहाँ पे इज बीइंग का यूज किया गया, यह भी गलत है। फोर नंबर ऑप्शन को देखिए, यह करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि माई फेस वाज यूज किया गया है और यहाँ पे बर्न का तीसरा फॉर्म बर्न और बाय द सनरेज, अंत में बाय द और सब बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज कर देते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, या क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। इस प्रकार के सेंटेंस में जिसमें कि आपको सब्जेक्ट ना हो, तो इसे हम बनाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को जिसमें कि आपको कोई सब्जेक्ट न दिख रहा हो, क्लोज ऑल द विंडोज यानी कि सभी दरवाजे सभी खिड़कियां बंद करो, इसको हम लेट से बनाते हैं, या हर एक सेंटेंस वाइज को, हर एक टेंस में, हर एक टेंस को किस प्रकार से हम बनाते हैं इसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, जब एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़ रहे होंगे। ओके, यहाँ पे इसे बस शॉर्ट में जान लें कि इसे लेट से बनाते हैं, तो लेट से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 2, लेट ऑल द विंडोज। लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर देते हैं, तो लेट ऑल द विंडोज, यहाँ पे क्लोज ऑल द विंडोज है, तो यह क्या है टोटल, यह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, लेट ऑल द विंडोज, उसके बाद बी और प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ओके, उसी तरह से यूज किया गया, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, तो यह करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप, यानी कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है, इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं,
समवन, यह क्या हो गया, यह हो गया आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोल, यह जो भाव है और यही जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, हिज ट्रेवलर्स चेक, यह क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप, जब वो यूरोप में ट्रेवल कर रहा था। तो वर्ब का यह दूसरा फॉर्म है, यानी कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसे मैंने बताया था वाज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म से बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से वाज या फिर वेयर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हिज ट्रेवलर्स चेक आर, यहाँ पे आर यूज किया गया है, या तो प्रेजेंट में यूज करते हैं या गलत है। यहाँ पे वाज का यूज किया गया है और यहाँ पे चेक्स है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वाज ना यूज होके वेयर यूज होगा। तो यह केवल और केवल ऑप्शन टू में है, हिज ट्रेवलर्स चेक सब्जेक्ट प्लस वेयर वर्ब और प्लस अस्टोलेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, यह बिल्कुल करेक्ट है। बाकी का उसी तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर, सब्जेक्ट क्या है, द पोस्टमैन हैड डिलेड, ये इसके वर्ब है और द लेटर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द लेटर सभी में है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, सभी में द लेटर है तीन ऑप्शंस में। उसके बाद हैड यूज किया गया है, तो इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब देखते हैं कि ऐसा किस सेंटेंस में है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में वाज का यूज किया गया है, और फोर्थ जो ऑप्शन देखे द लेटर हैड बीन, द लेटर ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, जब वर्ब हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म, और बाय द पोस्टमैन, और जो पोस्टमैन सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यह ऑप्शन फोर करेक्ट है। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, इसमें भी मैंने बताया था जिसमें आपको सब्जेक्ट ना दिखे वर्ब से स्टार्ट रहता है इस प्रकार का सेंटेंस, हेल्प द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों की मदद करो। तो इसे हम बनाते हैं लेट से, लेट से कौन सा स्टार्ट है, लेट से सिर्फ और सिर्फ दूसरा और चौथा ऑप्शन स्टार्ट है, तो पहला गलत और तीसरा गलत। अब लेट द नीडी पीपल बी, मैंने बताया था ना लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ओके, लेट द सब्जेक्ट, तो लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड। ओके, तो यहाँ पे बी हेल्प्ड होगा, यहाँ पे बीइंग है, तो इसलिए यह इनकरेक्ट होगा, यह बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन है, द मैन बॉट ए पैरोट दैट कुड स्पीक फाइव लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द मैन, बॉट क्या है, बाई का सेकेंड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, बाई का, बाई का आप जानते हैं सेकंड फॉर्म होता है बॉट, ए पैरोट जो है वो ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हम ऑब्जेक्ट से, द ए पैरोट सभी में है, ए पैरोट, ए पैरोट सिंगुलर है, और तो इसके साथ इसमें यह पास्ट इंडिफिनिट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम वाज का यूज करेंगे, वाज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ए पैरोट दैट स्पीक दैट स्पोकन, इसमें हम देखें कि इसमें जो अंत के सेंटेंस है इसको ऑप्शंस में पहले ही ऐड कर दिया गया है, तो सबसे पहले लास्ट के ऑप्शंस को ऐड कर देते हैं। ए पैरोट दैट स्पोक फाइव लैंग्वेजेस, जो कि पांच भाषाएं बोलता था, तो और उसके बाद वाज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वाज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें है और इसमें है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखते हैं, ए पैरोट दैट स्पोकन, डायरेक्टली स्पोकन का यूज नहीं किया जाता है वर्ब का तीसरा फॉर्म का, जब भी डायरेक्टली यूज करना हो तो वहां पे सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है स्पोक, तो स्पोक करेक्ट है। स्पीक का जो फॉर्म चेंज होता है सभी जानते होंगे, स्पीक स्पोक स्पोकन। ओके, तो डायरेक्टली यूज किया जाता है सेकंड फॉर्म का, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ए पैरोट दैट स्पोक फाइव लैंग्वेजेस, सॉरी ऑप्शन वन जो है वहां पे करेक्ट है, ऑप्शन वन, ए पैरोट दैट स्पोक फाइव लैंग्वेजेस वाज बॉट बाय द मैन। ओके, अंत में आप देख रहे हैं बाय प्लस सब्जेक्ट, सॉरी बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्लीज, एक बात ध्यान देंगे, जब भी कोई सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होगा तो इसको यू आर रिक्वेस्टेड
से हम इसे बनाते हैं या फिक्स रहता है, क्योंकि प्लीज रिक्वेस्ट करके ही बोला जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट है सेंटेंस, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। यू आर रिक्वेस्टेड से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट है, प्लीज के जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद टू लगा के और बाकी का सेंटेंस एग्जैक्ट हम यहाँ पे उतार देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द रामायण। एक चीज और ध्यान देंगे, जब भी कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो उसको हम बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। देन देखते हैं सेंटेंस में बाई हुम से कितने स्टार्ट हैं, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू, ऑप्शन थर्ड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं यह सेंटेंस किस प्रकार का है। यह सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का। इसमें हम लोगों ने देखा था पास्ट इंडिफिनिट में वाज या वर प्लस भाव का तीसरा फॉर्म यूज कर रहे थे। अब देखते हैं वाज किस में यूज किया गया है, सभी में यूज किया गया है। बाई हुम, पहले तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि वाज वर पहले यूज किया जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क्स होता है, ओके। तो बाई हुम, तो यहाँ बाई हुम होना चाहिए, बाई हु है तो यह इनकरेक्ट। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचे, बाई हुम वाज, बाई हुम वाज द रामायण रिटन, यानी कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन फोर, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में देखे बाई हुम वाज द हु रोट रामायण, यहाँ पे फिर से हु का यूज किया गया है तो गलत है। इसको ध्यान में रखेंगे, हु को पैसिव में बदलते समय बाई हुम में हम चेंज कर देते हैं और बाकी जो है उसी नियम पे सेम रूल के साथ, सेम रूल के साथ हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। तो सब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पे, इमरान सब्जेक्ट है, हैज और प्लस V3, तो यह किस प्रकार का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PPT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फाउंड के बाद यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, टू गुड जॉब्स, ओके। टू गुड जॉब्स, सभी जो है टू गुड जॉब्स से स्टार्ट है। या टू गुड जॉब्स किस प्रकार का सब्जेक्ट बनेगा आपको, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ यूज क्या किया जाएगा, हैव यूज किया जाएगा। अब देखते हैं टू गुड जॉब, टू गुड जॉब्स, हैज यूज किया गया है गलत है, आर यूज किया गया है गलत है, हैड यूज किया गया है गलत है, क्योंकि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैज जो है प्लूरल के साथ हैव बदल जाता है, हैव सेकंड ऑप्शन में है, करेक्ट है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, द बॉय, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। सो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में है द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो, इट मीन्स यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट द बॉयज क्रिकेट बॉल क्या है, या सब्जेक्ट हो गया या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि वही पास्ट इंडिफिनिट, ओके। द नेबर्स विंडो या क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, द नेबर्स विंडो सभी में है। उसके बाद यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट किस प्रकार का सब्जेक्ट में बदला है, तो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं हम, वाज, और वाज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वाज देखते हैं, एक यहाँ है फोर्थ ऑप्शन में, एक फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसलिए बाकी का ये दोनों इज ब्रोकन और हैड बीन ब्रोक या गलत हो गया। अब आगे का सेंटेंस देखते हैं, आप कभी भी जानते हैं पैसिव वॉइस में मैंने सबसे पहले बताया वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज किया जाता है, यहाँ पे ब्रोक यूज किया गया है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वाज के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है ना कि सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए यह ऑप्शन फोर भी हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन, द नेबर्स विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉयज क्रिकेट बॉल, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर क्वेश्चन, आई एम पेड वीकली बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है, यह ऑटोमेटिक जो है वो पैसिव वॉइस में दिया गया है, अब इसको हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, ओके। तो एक्टिव वॉइस में वही सेम रूल रहता है, जिस प्रकार से पैसिव में बदला गया है उसी प्रकार से एक्टिव में बदल दिया जाएगा। यहाँ पे बाय के बाद जो यूज किया गया ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट होता है।
चारों ऑप्शंस में यहाँ पे देखते हैं, चारों ऑप्शंस में बाय ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एम पेड यूज किया गया है, एम प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो आप जानते हैं एम किस में यूज करेंगे, इज आर एम किस प्रकार से या किस प्रकार के सेंटेंस को यूज करके हम पैसिव में बनाए रहते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। ओके, तो इसको हम प्रेजेंट इन डेफिनिट में कर देते हैं। ये देखें पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि पेड यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस भाव का सेकंड फॉर्म, ये गलत है। ओके, सेकंड ऑप्शन देखें वुड यूज किया गया है, वुड का तो कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, ये गलत है। विल यूज किया गया है, इसका कहीं जिक्र नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस नहीं है। ओके, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन को देखें, माय ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट प्लस पेज या भाव हो गया और मी वीकली, उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट करेक्ट हो गया ऑप्शन फोर। अब इसका यदि पैसिव बनाएंगे तो इस प्रकार से आपका पैसिव बन जाएगा, आई एम पेड वीकली बाय माय ऑर्गेनाइजेशन, और इसको एक्टिव में बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा माय ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली। ओके, देन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज है, और एक चीज आपको मॉडल एक्जुलरीज में आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपको विल कैन मे ये सब यूज किए जाएंगे, शुड इसके बाद हम हमेशा बी का यूज करते हैं और प्लस भाव का तीसरा फॉर्म यूज करके इसको आप करेक्ट कर सकते हैं एकदम पास इजिली वे में। तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बाकी के रूल वैसे ही रहेंगे, यू क्या है सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट में बदलेगा, और यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, दिस प्रॉब्लम जो है आप यहाँ पे चार ऑप्शंस में देख सकते हैं। उसके बाद कैन है, तो मैंने बताया इसको किस प्रकार से बदलेंगे, कैन प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब देखते हैं कैन बी किस किस में है, शुड है गलत है, माइट है गलत है, ऑट है गलत है, यहाँ पे क्या है कैन बी प्लस सॉल्व्ड क्या है, यह भाव का तीसरा फॉर्म हो गया और यह कैन बदल गया आपका कैन प्लस बी में। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, यू क्या है सब्जेक्ट है, सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई यू, तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट वन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बड़ा है, सीवा रोट ए लेटर, सीवा यहाँ पे ही आप देख पाएंगे सब्जेक्ट जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सीवा क्या हो गया वो हो गया आपका सब्जेक्ट और रोट भाव का सेकंड फॉर्म। तो ये आप यहाँ से तय कर लिए कि यह जो भी सेंटेंस है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो सीवा रोट ए लेटर, तो यहाँ पे ए लेटर क्या हो गया, ए लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, टू द हेड ऑफ द एच आर डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। तो अभी इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे बदलते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल के, और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो उसके साथ वाज वेयर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब देखते हैं ए लेटर क्या हो गया, सिंगुलर है तो इसके साथ वाज का यूज करेंगे, वाज देखते हैं किस किस में है, वाज तीन ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो गया आपका गलत यानी कि इनकरेक्ट हो गया। ओके, ए लेटर वाज रिटेन बाय, तो आप टू मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय यहाँ भाव का सेकंड फॉर्म ना यूज करके थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि राइट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म होता है यानी कि रोट। ओके, और इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इसे किस में बदलते हैं हम, भाव के तीसरे फॉर्म में, तो रिटेन नहीं है यहाँ रोट है, तो ये गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन फोर्थ, देखते हैं आगे, ए लेटर वॉज रिटेन बाई द सीवा लेटर बाई द हेड ऑफ एच आर डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखते बाई, बाई के बाद किसका यूज करते थे हम लोग, सब्जेक्ट का जो कि स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, स्टार्टिंग में क्या है सीवा है, और यहाँ पे यूज किया गया है एच आर डिपार्टमेंट टू सीवा, तो ये गलत है, ऑप्शन फोर है ये जो करेक्ट है। ए लेटर वॉज रिटन बाई सीवा, जो एक लेटर है किसे लिखा गया है, सीवा के द्वारा लिखा गया टू द हेड ऑफ एच आर डिपार्टमेंट को इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, यानी कि विज्ञापन के रिस्पॉन्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दे डिडंट रिपेयर माय फोन यस्टरडे, किस प्रकार का सेंटेंस है, डिड नॉट किस में यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, जब नॉट का यूज करना हो तो हम डिड का यूज करके नॉट का यूज करते हैं, यस्टरडे भी लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ
इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट रिपेयर ये भर हो गया, और माय फोन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। माय फोन से स्टार्ट करते हैं, और माय फोन यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस भर्ब थ्री, यही ना रूल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ हैड है गलत, यहाँ कूड है गलत, यहाँ डिड है गलत। तो माय फोन वाज नॉट रिपेयर्ड बाय यस्टरडे बाय देम, ये करेक्ट है, वन हो जाएगा। ओके, यही रूल होता ही है, इसका पैसिव फॉर्म इसी तरह बनेगा, माय फोन वाज नॉट रिपेयर्ड यस्टरडे बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ही गेव कावेरी अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस, ही गेव, यह भी किस प्रकार का है, ही क्या है सब्जेक्ट, गेव भर का सेकेंड फॉर्म, कावेरी ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम कावेरी से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, अभाव का सेकंड प्लस है तो कावेरी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस भाव का थर्ड फॉर्म, बिकॉज यह क्या है पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है, तो कावेरी वाज गिवेन होना चाहिए। तो हैज बीन है गलत है, वाज गिवेन है गलत, सॉरी ठीक हो गया। यहाँ पे इज गिवन है यह गलत हो गया, क्योंकि यह तो प्रेजेंट में यूज किया जाता है, यह प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। करेक्ट क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, कावेरी वाज गिवन ए ब्यूटीफुल ड्रेस, येलो ड्रेस बाय हिम, उसके द्वारा कावेरी को एक अच्छा सा येलो ड्रेस दिया गया, सुंदर सा। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जियन, सेम है द स्पाइडर ऑन द वॉल, सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ तक ये टोटल हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद यह ऑब्जेक्ट, एकदम इजी सा सेंटेंस है। इसमें भी हम उसी प्रकार से यूज करेंगे, क्योंकि यह भी है जो वो पास्ट इनडिफिनिट टेंस है, तो जिया ऑब्जेक्ट है, किस प्रकार का सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद वाज का यूज करेंगे, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं ऑप्शन में, हैज बीन गलत है क्योंकि यह तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो स्पाइडर ऑन द वॉल ये तो सब्जेक्ट था ही, तो यहाँ चेंज नहीं किया गया है, तो ये भी गलत है। जिया वाज फ्राइटेड बाय द स्पाइडर ऑन द वॉल, और यहाँ पे देखिए जिया हैड बीन फ्राइटेड, तो हैड बीन कहाँ से यूज होगा, वाज प्लस वर्ब थ्री यहाँ पे है, और बाय द सब्जेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, द आर्म फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। ओके, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो पुट है यहाँ से आपको इसे चूज करना होगा, या प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है, क्योंकि पुट का जो फॉर्म चलता है पुट ही चलता है, भाव का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन से इसे हम चूज करेंगे, क्योंकि यदि प्रेजेंट में होगा तो इज प्लस भाव का तीसरा फॉर्म होगा, तो इज प्लस भाव का तीसरा फॉर्म, तो ये है कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो ये गलत हो गया, इसका मतलब इसे पास्ट के रूप में यूज किया गया है। एन इम्प्रेसिव परेड भाव के बाद तो ये हो गया एन इम्प्रेसिव परेड, यह क्या हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया जिसे कि हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, एन इम्प्रेसिव परेड, और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट है, जिसे वाज के साथ बनाएंगे, वाज के बाद बीइंग का यूज कब करते हैं, वाज के बाद बीइंग का यूज कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ओके, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन थर्ड है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, यह भी गलत है। एन इम्प्रेसिव परेड वाच प्लस भाव का तीसरा फॉर्म पुट अप बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ रिपब्लिक डे, करेक्ट आंसर। रिचर्ड वोर ए बोर्ड बेल्ट विथ सिनी बकल्स, यहाँ पे रिचर्ड सब्जेक्ट और यह भी भाव का सेकेंड फॉर्म, डायरेक्टली आप करेंगे इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस है एकदम बिल्कुल से, इतना सारा कर लिए तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वर ए बेल्ट जो हो गया, यह हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट बनाते हैं, ए बेल्ट, ए ब्रॉड बेल्ट विथ सीनी बकल्स, ये टोटल हो गया आपको यहाँ तक ऑब्जेक्ट बकल्स, ए ब्रॉड बेल्ट विथ सीनी बकल्स, और उसके बाद वाज का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट है, और सब्जेक्ट जो है वाज प्लस आपका तीसरा फॉर्म, वाज किस में यूज किया गया है, फर्स्ट में, ये गलत है, इसमें नहीं यूज किया गया, इसमें यूज किया गया है, तो वाज प्लस भाव का तीसरा फॉर्म यूज करना चाहिए, जबकि यहाँ वी आर ही यूज किया गया है, तो ये भी गलत है, वन होगा थर्ड फॉर्म, ए
ब्रॉड बेल्ट विथ सीनी बकल्स वॉज बॉर्न बाय रिचर्ड्स, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, आई वॉज गिवेन ए रोबोट बाई हिम, बाई हिम यह जो है पैसिव फॉर्म है, अब इसको पैसिव टू हमें एक्टिव चेंज करना है, बाई हिम जो हो गया यही तो सब्जेक्ट बनता है बाई के बाद वाला हिम, तो हिम किसका फॉर्म होता है ही का, सबसे पहले लिखेंगे ही जो सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वाच गिवेन फॉर्म, सेंटेंस का फॉर्म वाच गिवेन, तो यह किस में आता है आपको पास्ट इंडिफिनिट में, तो वाच गिवेन के जगह पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे डायरेक्ट, तो गिव हो जाएगा, तो ही गिव से सेंटेंस स्टार्ट होगा। आप देखते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन, ही गिव मी ए रोबोट, उसने मुझे एक रोबोट दिया, इसी को पैसिव फॉर्म में चेंज करना होगा, तो ए मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ए रोबोट दोनों से हम बना सकते हैं, तो यहाँ आई से बनाया गया है, तो आई वाज गिवेन ए रोबोट बाय हिम, यही आपका पैसिव फॉर्म हो गया इसका, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो 30-21 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सीजीएल में 21 क्वेश्चन से पूछे गए थे एक्टिव पैसिव से, द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन टुक ए ब्रिलियंट कैच, यहाँ पे भी देखिए टुक, ये टोटल हो गया आपका सब्जेक्ट और ये टुक वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, एकदम ये भी इजी है, ए ब्रिलियंट कैच जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम सब्जेक्ट ए ब्रिलियंट कैच, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में किस प्रकार से यूज करते हैं वॉच प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ए ब्रिलियंट कैच हैज बीन यूज किया गया है गलत, यहाँ हैड बीन यूज किया गया है ये गलत, और वॉच के साथ बी का यूज कब करते हैं ये हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, तो ये भी हो गया आपका गलत, तो ऑप्शन सेकंड बचा करेक्ट वन, ए ब्रिलियंट कैच वॉच टेकन बाय द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन, ओके तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। इस तरीके से हम लोगों ने देखा टोटल जो है वो कंप्लीट हो गया, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने सर को प्रैक्टिस के लिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एडिटोरियल वोकैब्स, एडिटोरियल वोकैब्स वन, और यहां से ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डेली डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डाउनलोड करने के लिए हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश कर देते हैं, वहां पर पीडीएफ भी अपलोड कर देते हैं, एडिटोरियल वोकैब्स वन सर्च करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से जाके आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली वे में, और आप डेली के डेली यूज के लिए पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके देन यही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।